इज अ वोट अपील फॉर आसिम रियाज। जो मेरे फैंस हैं वो सब वोट करें, और जो आसिम के फैंस हैं वो भी वोट करें, और जो हम दोनों के फैंस हैं वो भी वोट करें, बिकॉज फिनाले आ चुका है और बहुत सारे वोट्स की ज़रूरत है। आसिम इज़ अ स्टार बॉय नाउ, सबको पसंद है और बहुत टफ कंपटीशन दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आसिम ही विन करे। तो आप सब लोग जल्दी से जल्दी जाके वोट ऐप पे अभी वोट करो। दिस इज़ अ वोट अपील फॉर आसिम रियाज। जो मेरे फैंस हैं वो सब वोट करें, और जो आसिम के फैंस हैं वो भी वोट करें, और जो हम दोनों के फैंस हैं वो भी वोट करें, बिकॉज फिनाले चुका है और बहुत सारे वोट्स की ज़रूरत है। आसिम इज़ अ स्टार बॉय नाउ, सबको पसंद है और बहुत टफ कंपटीशन दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आसिम ही विन करे। तो आप सब लोग जल्दी से जल्दी जाके वोट ऐप पे अभी। एवरीवन, जैसा कि सभी जानते हैं कि बिग बॉस का फिनाले आ गया है और मैं इस फिनाले में आसिम को सपोर्ट कर रहा हूँ। जी हाँ, मेरा भाई है वो, मेरा दोस्त है वो, बहुत ही अच्छा प्लेयर है, अच्छा गेम खेला है उसने। सो प्लीज 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 वोट फॉर आसिम और आसिम को विनर बनाए प्लीज। हैप्पी बर्थडे रश्मि, हैप्पी बर्थडे मिट्टू, अच्छा खेल रहे हो, फाइनल में हो, मजा आ गया। वोट की टेंशन मत लो, बस ट्रॉफी लेकर आओ, ठीक है ना। तो मेरे जितने भी फैंस हैं उन सबसे मेरी एक विनती है कि प्लीज रश्मि को खूब सारा वोट दें, ठीक है। थैंक यू ऑल, लव यू। कम ऑन गाइस, इट्स टाइम कि अब ट्रॉफी हम घर ले आए। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा वोट सिर्फ और सिर्फ हमारे सिद्धार्थ शुक्ला के लिए फ्रॉम मिस्टर एंड मिसेस शलभ डैंग। चलो फिर वोट पर जाओ और वोट करो अभी सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला को। वोट फॉर सिद्धार्थ शुक्ला। कम ऑन गाइस, इट्स टाइम कि अब ट्रॉफी हम घर ले आए। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा वोट सिर्फ और सिर्फ हमारे सिद्धार्थ शुक्ला के लिए फ्रॉम मिस्टर एंड मिसेस शलभ डैंग। चलो फिर वोट पर जाओ और वोट करो अभी सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला को। वोट फॉर सिद्धार्थ शुक्ला। हे गाइस, मैं हूँ आपकी रश्मि देसाई। आपने मुझे हर रूप में अपनाया है और ढेर सारा प्यार दिया है, लेकिन अब मुझे आपके सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी हाँ, बिग बॉस 13 का जो हिस्सा हूँ, प्लीज़ आप उतना ही प्यार दीजिएगा, अपनापन दीजिएगा। गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन वोट ज़रूर कीजिएगा। हे गाइस, मैं हूँ आपकी रश्मि देसाई। आपने मुझे हर रूप में अपनाया है और ढेर सारा प्यार दिया है, लेकिन अब मुझे आपके सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी हाँ, बिग बॉस 13 का जो हिस्सा हूँ, प्लीज़ आप उतना ही प्यार दीजिएगा, अपनापन दीजिएगा। गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन वोट ज़रूर कीजिएगा। हाय एवरीवन, आई एम शिरीन मिर्ज़ा हियर एंड टुडे आई एम हियर टू टॉक अबाउट माय डियर फ्रेंड रश्मि देसाई, हु इज़ इनसाइड द बिग बॉस हाउस and is doing fabulous. I think she's one of those contestants who is playing with their heart and who's very, very genuine. And I really want her to win, so I want to request all of you to support her, wish her, vote for her since it's the last finale week. And all the very best, Rashmi. Hope to see you really, very soon outside the Big Boss house with the Big Boss trophy. Bye. Love you. Hi guys, so here I am back talking about Big Boss. कल फिनाले के लिए शूट शुरू हो रही है, परसों भी है, एंड दैट्स इट, विनर अनाउंस हो जाएगा। सो सना और सिद्धार्थ के लिए जितना प्यार मिला है आई थिंक बहुत एक्सपेक्टेड था, और बहुत क्या अमेजिंग रिस्पॉन्स है दोनों के लिए। आई एम सो एक्साइटेड फॉर बोथ ऑफ देम। एंड टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट आसिम। ओके, सो आसिम की मेमोरी मेरे दिमाग में ये है कि वो बहुत ही कभी भी शांत या ऐसा नहीं था। ही वॉज ऑलवेज लाइक टॉकेटिव, फन, यू नो, ही हैड अ वाइब ऑफ दिस डूड, और क्या रैप करता है बंदा, यू नो, ही इज लाइक सुपर। नाउ थ्रू द जर्नी ऑफ बिग बॉस आई रियलाइज दैट ही हैज अ लाइक, उसने भले ही वो सिद्धार्थ के अगेंस्ट खड़े होके यू नो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बोलना हो या झगड़ा करना हो या जो भी है, उसने कभी भी नेवर शाइड अवे फ्रॉम टेलिंग पीपल वॉट ही वॉज। ऑल्सो जब हर वीकेंड पे उसने सलमान सर से डांट खाई, वो कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ। यू नो, ही इज टेकन इट इन अ वेरी गुड वे, विच आई थिंक इज फैबुलस। यू नो, यूजली हम लोग स्पेशली सलमान सर या ऐसे यू नो ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप डांट खाते हो या तो आप ना डर जाते हो, यू काइंड ऑफ गो इन टू अ शेल। बट आसिम नेवर लेट एनीथिंग अफेक्ट हिम। ही हर्ड हिज ब्रदर
ही हर्ड हिमांशी, उसने वही सुना अपने बारे में जो उसको सुनना था अपने लोगों से, और उसने उस चीज को फॉलो किया, विच आई थिंक इज परफेक्ट फॉर द गेम. एंड सो यू टेल मी व्हाई आसिम बिग बॉस का विनर? आसिम कुड इट, वुड इट, विल इट? आई एम एक्साइटेड टू नो व्हाई आसिम. गाइज मेक इट शॉर्ट, tell me the comments. I'm reading all of them and a lot of people are reading them. Tell me and yay, let's get it out all there. Just few more days to go. I need one name. Okay guys, come on, let's do this. Don't write comments, just write whom you think is the winner. One name, just give that so we will know majority kya sochte. It will be so much fun. Char din hi hai, uske baad to declare ho hi jayega winner, fir thoda maza aayega. So isliye tum log sirf comment mein na sirf ek naam do. It could be Siddharth, it could be Sana, it could be Asim, whoever you think is the winner, one name. Because wo ek hi naam to nahi samajh mein aa raha hai, you know. So just one name, okay? Hi guys, please vote for Rashmi. Big Boss ka abhi literally aakhri charan shuru ho gaya hai, do hi hafte bache. Please vote for her, she needs it. I know sabko bahut zarurat hai, lekin I really do appeal for Rashmi. Usko vote dijiye, pyar dijiye. Just 2 weeks to go. Hey guys, shout out for Rush. She has seen her best and worst both in the house and she deserves a lot of love from you all. And I want to tell you, please support her, give her love and save her. Vote for her right now. Hi guys, please vote for Rashmi. Big Boss ka abhi literally aakhri charan shuru ho gaya hai, do hi hafte bache. Please vote for her, she needs it. I know sabko bahut zarurat hai, lekin I really do appeal for Rashmi. Usko vote dijiye, pyar dijiye. Just 2 weeks to go. हेलो एवरीवन, दिस इज अभिजीत सावंत एंड आप सब बिग बॉस देखते ही होंगे एंड माय फेवरेट कंटेस्टेंट इज रश्मि देसाई. शी इज शोइंग हर बेस्ट गेम राइट नाउ एंड शी नीड्स योर सपोर्ट, सो वोट फॉर हर एंड मेक हर द विनर ऑफ द शो. सी यू. हाय, मैं जा रही हूँ बिग बॉस में सज धज के. कांता ने मेरे इतने सुंदर बाल बनाए हैं, लेकिन पार्लर में सब लड़कियों ने और घर में भी सब लड़कियों ने सबने मुझे हक किया है और ये कहा है कि आप जाके सलमान को हक करेंगे तो हमारा हक उस तक पहुंच जाएगा. सलमान जी, मैं आ रही हूँ बहुत सारे लोगों के हक साथ में लेकर. नमस्ते, शालोम, सलाम एवरीबॉडी, दिस इज मदर सोफिया. I am quite upset about what's happening in Big Boss at the moment. The show seems to be biased towards Sid, and Sid is just another Arman Kohli. It's almost like this year they are allowing fights and abuse. It's like that is the format of Big Boss, that you have to have fights and abuse. It's something which is promoted in Big Boss, which I do find very disturbing, because there's a lot of young people that are watching the show and all it does is promote violence and abuse outside of the show. They're promoting violence and abuse as something that is normal, and violence and abuse is not normal. I have to say that I truly support Rashmi Desai. She was with me in 6X. She's a beautiful character, a beautiful soul, and I think it's completely unfair what's happening to her. Let the good person win, if anyone should win. But I think Salman Khan, I don't understand why he keeps doing this. Surely we should be promoting all that is good on this earth and all that is good in humanity, because people are good, people are loving. They are the ones who should be highlighted more. I'm also concerned because at this time the energies of the planets are quite strong. So anything that you as a viewer are watching is going to come into your life. What I'd like to say to you is be careful about what you see, hear and speak, because the things that you see, hear and speak, you are inviting into your life. So stop watching Big Boss, because all you're doing is inviting negativity and abuse in your life. Watch and support things that are beautiful. Watch and support things that make you feel happy inside, because then you're manifesting that in your own life.
Hello, everybody. Good morning. Hello. क्या चल रहा है गाइस? हाउ इज इट गोइंग? एक मिनट रुको, मुझे तो लाइट ऑफ करने दो. बहुत ज्यादा पीछे से बैकलाइट आ रही. लेट्स पुट दिस ऑन. हाउ आर यू गाइस? व्हाट्स अप? क्या हाल है? हाउ आर यू गाइस डूइंग? आज मैं शूट पे जल्दी आ गई हूँ, और जल्दी नहीं आई हूँ, एक्चुअली टाइम पे आई हूँ, लेकिन मुझे टाइम है शूट करने के लिए. तो मैंने कहा चलो तुम लोगों से गप्पे मारती हूँ, पूछती हूँ क्या चल रहा है. हेलो, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग. हाँ जी, प्रॉब्लम था शूज का, मुझे बता दो. फोटो लेना है वो. किसका? कंटिन्यूटी. हाँ बिल्कुल, कंटिन्यूटी की फोटो देनी है मुझे. आ जाओ ले लो. कुछ प्रॉब्लम नहीं है रेड्रेस में, सोनल तो बोल रही थी. सिर्फ जूते 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 सोनल बोल रही थी.